अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जनाब आपके लिए लाया हूँ यूज कार में बड़ी अच्छी गाड़ी 2016 की टोयोटा करोला GLI। अच्छा ये गाड़ी जो है ये फॉर सेल भी है और मेरे एक बड़े अच्छे कुलीग और दोस्त हैं उनकी है और वो मेरे साथ हैं, तो बीरोल आपने देख लिया है। तो सीन ये है कि जो जितनी गाड़ियाँ मेरे हल्का अहबाब में हैं इस कैटेगरी की, यानी 3-4 साल पुरानी करोलास, उसमें ये सबसे वेल मेंटेन्ड और साफ गाड़ी है। पहली बात है अनटच्ड है, टोटली ओरिजिनल है, सिंगल हैंड ओन्ड है, ड्रिवन है और इट इज़ डन अराउंड 75,000 किलोमीटर्स, तो काफ़ी माइलेज है। अब ये क्यों बेच रहे हैं, ये क्या लेना चाह रहे हैं, इस गाड़ी के साथ इनका क्या रहा, वो फिर हम ओनर से बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, शहजाद उमर साहब हमारे साथ हैं। शहजाद साहब वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, जी वेलकम। अच्छा तो शहजाद भाई, ये गाड़ी जो है ये आपने कब खरीदी, 16 में? जी सर, 16 का मॉडल है और तकरीबन 77,000 एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इतनी चली हुई है। अच्छा, इससे पहले आपके पास क्या था? इसके पास मेरे पास मित्सुबिशी लांसर GLX। अच्छा, वो 2008 वाली, 6 वाली? 2008 वाली। 8 वाली, हाँ जी, ठीक है। तो वो गाड़ी मैंने आपकी देखी हुई है। सोल्ड दैट कार, उसके बाद फिर मैं अच्छा ये जो 2016 में, जो उस वक्त हमें याद नहीं रहता वैसे, मगर एक 2016 में आपको ऑप्शंस क्या थी उस वक्त, तो ये नए प्लेयर्स वगैरह नहीं थे? नहीं, नए बिग थ्री था वाली, यू राइट, करोला थी, सिविक और सिटी थी और तीसरी सुजुकी थी। सुजुकी में क्या था, लियाना था? नहीं था लियाना, उस वक्त खत्म हो गई थी। ओके, और सियाज वगैरह जहर बात है अभी नहीं आई हुई थी, ठीक है। तो उसके फिर स्विफ्ट वगैरह रह जाती है, वो मैं सुजुकी, आई डिडंट वांट टू गो टू सुजुकी, और तो दूसरी ऑप्शन सिटी और सिविक की थी। सिविक अ बिट अबव और सिटी जो है मुझे थोड़ी सी लाइट लगती थी, मतलब अगर वो उसमें बैठो तो मुझे वो स्टेबिलिटी शायद नहीं लगती थी, गाड़ी थोड़ी हल्की लगती थी, कॉम्पैक्ट। हाँ कॉम्पैक्ट, इट्स नॉट दैट इट्स बैड, इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्ली, इट्स अ गुड कार, लेकिन वो एक तो स्लीक है, ऊपर से हल्की है काफ़ी, तो वो मुझे जब करोला जो है उस वक्त दैट वाज द बेस्ट बेट। असल में ये जो GLI है उसकी सक्सेस, या XLI जो थी इसकी सक्सेस की एक वजह ये भी थी कि जो उसकी बॉडी थी ये तो वही थी स्टैंडर्ड, और इसके बारे में लोगों को तनकीद भी होती थी, यार पता नहीं लगता कि मतलब बंदे ने 25 लाख खर्चे हों तो दूर से देखने में लगता है जैसे XLI जा रही है या GLI जा जब रही तक है। वो आप जब तक देखते नहीं है, एम्बलम नहीं देखते। अच्छा तो ये अब आपने ले ली 16 में, तो अभी तक आपने इसको कैसा पाया? 77 चला लिया आपने, तो हाउ वॉज इट लाइक, प्रोज एंड कॉन्स? अभी तक तकरीबन मेरे पास 6 साल हो गए इस गाड़ी को और किसी किस्म का कोई काम नहीं है इसके अंदर। मैंने तो बस सिंपल आके गाड़ी में स्टार्ट की है और चला दी है, बस यही। बाकी जो है मैं इसके अंदर थ्रू आउट जो फुली सिंथेटिक जो शेल का जो ऑयल है वो डलवाता रहा हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा चलता है 3-4 हज़ार से, और फिल्टर है। बस इसके अलावा किसी किस्म की ना कोई काम है, और गाड़ी 5-6 साल वैसे कुछ नहीं करती, और अगर आप ठीक रखी हो तो मेरे ख्याल में गाड़ी का को काम नहीं। करोला जो है ये तो आप सही तरह रखें तो 2-3 लाख भी कुछ नहीं करती। करोला सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी सबसे ज़्यादा मार रोड पर करोला ही खाती है। जी हाँ, तो ये अब आप जो है, अच्छा एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि जो मैंने बीरोल में भी दिखाया है कि ये गाड़ी टोटल आपने जेन्युइन रखी हुई, यहाँ तक कि आपने वो अलार्म सिस्टम और सेंट्रल लॉकिंग में लगाई, ये नेविगेशन भी नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, इट्स मतलब वैसे की वैसी है जैसे फैक्ट्री से आई थी। तो इसके पीछे क्या कहानी है भाई, शौक नहीं है या लाइक क्या, पैसे नहीं थे? नहीं, प्रॉब्ली अगर मुझे नई गाड़ी में ये चीज़ मिल रही होती तो आई वुड हैव गॉन फॉर दैट। उस वक्त एक तो इतने बेल्स एंड व्हिसल्स होते नहीं थे, और शौक मुझे हमेशा से LCD का था, लेकिन मुझे गाड़ी के अंदर कोई अल्ट्रेशन पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो जो एक चोर स्विच जो लगाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम, ये वो, हालांकि ये सबसे ज़्यादा फेवरेट गाड़ी है चोरी होने के लिए। दैट यू आर इन पिंडी में तो माशाल्लाह, तो बड़ी डिमांड में काफ़ी डिमांड में, सबसे बड़ी हॉट केक है।
तो उसके बावजूद मैंने चोर स्विच और किसी किस्म का ट्रैकर वो चीज़ नहीं लगवाई, बिकॉज आई डोंट वांट एनी अल्टरेशन इन द कार. तो यही वजह है कि मैंने LCD, मैंने रेड शेड्स पता कर लिए थे सारे, लेकिन फिर भी मैंने करवाए नहीं. मैंने कहा यार जो ओरिजिनल हालत है उसको आई डोंट वांट टू चेंज इट. बट द ओनली थिंग व्हिच आई डिड वाज ये जो इसकी लेदर सीट्स हैं, कवर जो, ये मैंने लेदर इसको करवा लिया था. प्रॉब्ली ये 6 साल है एंड इट सीम्स लाइक न्यू वन. मतलब ये इतना अच्छा जहाँ से मैंने करवाया है वो आप ही ने, बल्कि नहीं, मतलब सिर्फ अच्छाई का नहीं होता, मगर द पॉइंट इज कि इसमें थोड़ा जो इस्तेमाल की तमीज का भी होता है वैसे थोड़ा सा. ये मैं टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, तो अब ये आप स्पेयर पार्ट्स की तो मैं आपसे क्या पूछूं, क्योंकि आपने स्पेयर तो डलवाया कोई नहीं है एज सच, जो गाड़ी आपकी लगी लुगी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इसका जो ऑयल फिल्टर है वो वही 4-5 हज़ार हर ऑयल चेंज के ऊपर करवाया. एक आपने में खासे जो डी रोल में भी आपको दिखाया था, एक फ्रंट के ऊपर एक कलम है, कलम छोटी है, सी बोनेट के ऊपर, वो मैंने उसको पेंट या रिपेयर इसलिए नहीं कराया बिकॉज देन इट बिकम सस्पिशियस. तो मैंने कहा लेट मतलब लेट इट बी दिस द सेम जैसा भी है. तो इसके अलावा अच्छा, टायर आपके कौन से हैं वैसे, बी रोल में था? हाँ, मिचलिन के मैंने टायर डलवाए थे कुछ थोड़ा अर्सा पहले डलवाए हैं, कोई मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार किलोमीटर पहले. ओके, तो दे आर क्वाइट न्यू. तो ये मतलब ठीक है, 6 साल गुजर गए हैं, 5 साल गुजर गए हैं, आप चेंज करना चाह रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, मगर क्या मतलब गाड़ी तो देखे ना, ये बिल्कुल एज गुड एज न्यू है, ठीक है, मतलब परफेक्ट है. तो क्या है मतलब, अब वो नाजेबा जबान में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मतलब मसला क्या? नहीं नहीं, मसला वही है जो आप सब कहना चाह रहे हैं. आई जस्ट वांटेड टू अपग्रेड. ओके, अपग्रेड टू व्हाट? व्हाट डू यू थिंक मुझे किस पे अपग्रेड करना चाहिए? सर वो रोकड़े पे डिपेंड करता है. चलो लॉजिकली, मतलब अगर मैंने नहीं देखे ना ये गाड़ी आप बेच रहे हैं, तो इसके बाद मुझे किस पे जाना चाहिए? नहीं, जाने को तो आप जहाँ मर्जी चले जाए, हम तो आज देखे पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, शरीफ लोग हैं ऊपर से, ठीक है, शरीफ लोगों के ऊपर पैसा नहीं होता जनरली ना बहुत ज्यादा. अच्छा, तो अब किसी के पास 26-27 लाख की करोला हो तो वो अपग्रेड करेगा तो 4-5 लाख, 6 लाख, चलो 10 लाख और डाल लेगा, तो 10 लाख डाल के तो 36-37 लाख बनते हैं. वो 36 लाख में पास आने को जाता ही नहीं, उसमें फिर करोला ही आती है. करोला ही आती है बड़ी मुश्किल से, वो भी 6-7 महीने इंतजार करने के बाद. या आप सिटी ले लो, उसके अलावा तो कुछ आता नहीं. तो आप बता दें, सस्पेंस तोड़ दें कि आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं. नहीं, इट्स नॉट अ सस्पेंस. मैंने जी रिसेंटली टूसॉन बुक करवाई है हुंडई की. नोशावश. हाँ जी, तो लंबी चलाऊं? हाँ, बस मुझे दरअसल घर वालों को भी, और आई जस्ट वांटेड टू हैव अ फील ऑफ SUV, नॉट एग्जैक्टली द SUV बट इट्स अ क्रॉसओवर. लेकिन मुझे उस गाड़ी की फील एक काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी. पहले उस वक्त ऑप्शन नहीं थी जिस वक्त मैंने ली थी, और अब वी हैव एन ऑप्शन. खाली डाला और फॉर्च्यूनर ही था और कुछ नहीं था. हां, डाला और फॉर्च्यूनर नहीं, उसे विगो वगैरह होती थी, वही डाला. अच्छा, हां डाला कहते हैं नजर को. अच्छा. अच्छा, तो चले ये ऑल्दो सब्जेक्ट से थोड़ा सा हम हट रहे हैं, मगर अच्छा है. चलो कि व्हाई ट्यूसॉन, व्हाई नॉट स्पोर्टेज, और द ये टिगो आ गई, या वो जो ओशान आ गई, या और बड़ी सारी. पर्सनली अगर जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो टिगो वाज माय फर्स्ट चॉइस. ओशान वाज प्रॉब्ली नेक्स्ट टू टिगो, क्योंकि एक तो ये है कि वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट की थी. टिगो के खिलाफ आपको किसने मशवरे दिए थे? टिगो और ओशान के बेसिकली कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स है ऐसे. अच्छा. कि जिन्होंने मुझे अपनी चॉइस चेंज करने के ऊपर रिकमेंड किया, और प्रॉब्ली दे वर राइट के यार दे आर न्यू एंट्रेंट्स, नो डाउट द कार इज एब्सोल्युटली इट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, खास तौर पे इंजीनियरिंग का तो खैर बाद में पता चलता है. बट वो गाड़ी प्रॉब्ली शायद नई है अभी इतनी ज़्यादा, और प्रॉब्ली मैं शायद वैसा नहीं है कि मेरे पास को 5 गाड़ियाँ हो तो जिसमें से एक मैंने को गाड़ी लेनी है. तो प्रॉब्ली दिस इज़ वन ऑफ माय प्राइम व्हीकल जो कि मैं चला रहा हूँ. बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. इट्स बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो आई डोंट वांट टू यू नो टेक अ रिस्क एट दिस मोमेंट. तो प्रॉब्ली मे बी आगे जाके ज़रा रोड प्रेजेंस जब पता चलेगी, क्योंकि अभी तो
टिगो और अशांत तो पहली उसकी डिलीवर होनी शुरू हुई है फ्रॉम द मई, अभी नजर आनी शुरू हुई है. नहीं नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप जो है एक लाइक यू नो आप एक हकलाल से आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इतना बड़ी अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो यू वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कंफर्ट जोन. एग्जैक्टली, क्या रोड पे है, ब्रांड का थोड़ा इमेज होता है उसके पीछे. अच्छा, पाकिस्तान में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग टिगो चिगो, मैं आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड, बट लोग ना एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ पे ये देखने के लिए. आई एम एक्साइटेड अबाउट टिगो. नहीं नहीं, आई वाज एक्साइटेड, बट मैंने आपको क्या कहा था कि यू मस्ट, और आप सबके लिए भी, यू मस्ट इवैल्यूएट कि उस ब्रांड के पीछे कौन सी कंपनी खड़ी है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली, हाँ इसे कह रहे हैं उसके पीछे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो आपके मित्सुबिशी वाले ही हैं. हाँ, तो अब देखिए वो आई और वो चली गई गाड़ी मित्सुबिशी. गंदारा वाले उन्होंने भी पहले उससे पहले निसान भी आई थी. हाँ, वो भी चली गई, आई और चली गई, चली गई. तो वो बैकअप सपोर्ट प्रॉब्ली इतनी अच्छी नहीं थी जो पास्ट हिस्ट्री है. प्रॉब्ली होप दे डू वेल दिस टाइम. लेकिन मेरे ख्याल से हुंडई काफी अरसे से है एंड उनकी प्रेजेंस काफी बेहतर, मतलब वो थोड़ा ब्रांड थोड़ा सा वो एस्टैब्लिश हो गया, एस्टैब्लिश है दुनिया में, एस्टैब्लिश है. तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इनका कॉन्टेक्ट नंबर, अच्छा ये गाड़ी पिंडी नंबर है तो इट कैन बी सोल्ड इन पिंडी आल्सो, इन लाहौर आल्सो. बाय द वे आई एम सेलिंग दिस कार लाइक आपने जैसा पहले कहा था. और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कार. पिंडी का नंबर है तो बेसिकली इनका पिंडी में भी घर है, लाहौर में भी घर है. तो यू नो इफ यू आर फ्रॉम पिंडी इस्लामाबाद रीजन, वेल एंड गुड. इफ यू वॉन्ट टू बाई इट इन लाहौर, कॉन्टैक्ट हिम. बहुत शुक्रिया उमर भाई फॉर टेकिंग टाइम एंड सिटिंग विद मी, हैविंग अ ड्राइव विद मी. अच्छा खैर, तो तो बाकी ये कि उमर साहब इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. इन्होंने रिसेंटली ही शोड मी हिज विजिटिंग कार्ड्स, जिसके अंदर इन्होंने अपने जो YouTube चैनल है उसके बारे में भी बात की है. एंड दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव. और आई हैव सीन हिज वीडियोस, सो प्रॉब्ली दैट वाज वन ऑफ अ रीजन के ही वाज एबल टू कन्विंस मी टू चेंज माय डिसीजन फ्रॉम ओशान और टिगो टू हुंडई. सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.